जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। राउडी राठौर 2 साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौर को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। इस फिल्म में हमें एक्शन, सस्पेंस और भरपूर कॉमेडी देखने को मिली। नतीजन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। राउडी राठौर के पहले पार्ट की सफलता के बाद काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल की डिमांड आ रही थी। अब दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि अक्षय कुमार की राउडी राठौर के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है और राउडी राठौर की स्क्रिप्ट बाहुबली राइटर केवी वेजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, जिन्होंने बाहुबली की एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवी वेजेंद्र ने हाल ही में राउडी राठौर के सीक्वल पर मोहर लगाते हुए बताया कि राउडी राठौर पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिखने के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उनसे कांटेक्ट किया था और प्रेजेंटली वह इसी पर काम कर रहे हैं। राउडी राठौर पार्ट 2 की स्क्रिप्ट को जल्द ही खत्म करने की प्लानिंग है और इस बार राउडी राठौर पार्ट 2 हिंदी में ही तैयार किया जाएगा। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन की स्टेज में है। राउडी राठौर पार्ट 2 में एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ साथ आपको सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आएगी। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी एकदम नई होगी। फिल्म की शूटिंग अगले साल 2022 में शुरू होने वाली है और अगर रिलीजिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर पार्ट 2 आपको 2023 में देखने को मिलेगी, जिसमें भरपूर एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी एक बार फिर दिखाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि 9 साल पहले आई 2012 में अक्षय कुमार की राउडी राठौर फिल्म की तरह ये सीक्वल 2 भी हिट होगा या फिर दर्शक इसे नकार देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।